Assalamualaikum Adab. Dear viewers and students, this is Shahid Singh, lecturer of physical education, and welcome to physical education classes. And in our today's class, we are going to discuss about one of the important topics of class 11th, that is obesity and how to calculate BMI. That means पहले हम obesity देखेंगे कि obesity क्या होती है और उसके reasons क्या होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि BMI calculation कैसे करनी है, कैसे हमें अपनी health की जो है assessment करनी होती है. So let us move towards first section of the question, that is obesity. Obesity means accumulation of excessive body fat. जब हमारे जिस्म में fat ज़्यादा जमा होता है, उस condition को हम obesity कहते हैं. It is a modern health day disorder. Modern health day disorder बहुत सारे हैं. It is one among them. तो obesity के बहुत सारे reason हैं, बहुत सारे वजूहात हैं क्यों obesity होती है. तो पहला reason जो है, it may be because of heredity. हेरिडिटी एक रीज़न हो सकता है ओबेसिटी का, यानी कि जो आप में मोटापापन आता है उसकी पहली वजह हेरिडिटी हो सकती है. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. जो पेरेंटों से ऑफस्प्रिंग तक जीन्स जाते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. और ये हो सकता है कि आपकी जो ओबेसिटी है वो हेरिडिटी से हो सकती है. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. नंबर सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, कि ओबेसिटी आज के ज़माने में ज़्यादा क्यों होती है, उसके लिए ये वाला रीज़न बहुत ज़रूरी पढ़ना है हमें. द रीज़न इज़ फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी कि जो फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है वो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है. फिज़िकल इनएक्टिविटी के एक्टिविटी में आपको विस्तार से समझाता हूँ. पहले ज़माने में क्या होता था, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था तो हम खुद पैदल चल के जाते थे. अगर कोई काम करना होता था, दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े धोने होते थे, तो हम खुद अपने हाथों से धोते थे. तो उसको रिप्लेस किया है मशीनों ने. फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास गाड़ी है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. और कपड़े धोने के लिए आपके पास वॉशिंग मशीन आई है. मसालों को कूटने के लिए आपके पास मिक्सर्स आए, ग्राइंडर आए, जो काम हम पहले अपने हाथों से करते थे. तो आजकल के ज़माने में क्या है, जितनी भी पुराने फिजिकल टास्क थी उनको रिप्लेस किया है मशीनों ने, जिसकी वजह से हमें फिजिकल इनएक्टिवनेस आई है और हम में ओबेसिटी बढ़ गई. दिस इज द सेकेंड रीजन. नंबर थर्ड, फास्ट फूड फैशन, यानी कि आज के ज़माने में जो फास्ट फूड कंज्यूम होता है उसमें हाई कैलोरी कंटेंट होता है और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है. दिस इज द थर्ड रीजन. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ओवर ईटिंग एंड इररेगुलर ईटिंग. ओवर ईटिंग का मतलब है हम ज़्यादा खाते हैं, जितना हमें खाना होता है उससे ज़्यादा खाते हैं. इररेगुलर ईटिंग बिना किसी टाइम टेबल के, जो आगे पड़ गया वो खाया भाई. ओवर ईटिंग और इररेगुलर ईटिंग आर द रीजंस फॉर हेरिडिटी. सो दिस इज ओबेसिटी एंड रीजंस फॉर ओबेसिटी. अभी हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्या हम अंडरवेट हैं, क्या हम ओवरवेट हैं, क्या हम हेल्दी हैं, क्या हम नॉर्मल हैं, क्या हम ओवरवेट हैं. अपनी हेल्थ का असेसमेंट जो है उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम BMI कैलकुलेशन कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू ओबेसिटी. हम इस सिस्टम से, इस प्रोसीजर से जान सकते हैं कि हमारी हेल्थ कंडीशन क्या है. BMI कैलकुलेशन मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, प्रोसीजर ऑफ असेसिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ये BMI कैलकुलेशन होती कैसे है, इसके लिए एक फार्मूला है जो कि एडॉल्फ कुडिलेट ने डिजाइन किया है. फार्मूला क्या है, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. यानी कि जिस इंडिविजुअल का, जिस बंदे का आपको BMI कैलकुलेशन करना है उसकी उसका पहले में वजन करना है. और वजन कैसे होता है, बाई वेइंग मशीन. बंदे को लाना है, वेइंग मशीन पे चढ़ाना है और उसका वेट जो है वो मेजर करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हाइट इन मीटर्स जो है एक बंदे की, उसकी जो स्क्वायर है वो डिवाइड करना है वेट इन केजीज का. अब बंदे की हाइट मेजर करनी है, हाइट मेजर करने के लिए आप मेजरिंग टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर प्रोसाइसली. और जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज, उसको हम स्टेरियोमीटर कहते हैं. स्टेरियोमीटर इज द इक्विपमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल. चलो स्टेरियोमीटर से हमने हाइट भी मेजर की, तो जो वहां पे हमें वैल्यू निकलेगा
उस वैल्यू को हमको कंपेयर करना है WHO BMI चार्ट के साथ। इसकी चार कैटेगरियां हैं, ऐसे दो कॉलम बनते हैं इसके, एक साइड से कैटेगरी, दूसरे साइड से BMI वैल्यू। अंडरवेट अगर आपका वैल्यू इस फॉर्मूला से बिलो 18.5 निकलता है दैट मीन्स यू आर अंडरवेट, और अगर आपका वैल्यू 18.5 टू 24.9 आता है देन यू आर नॉर्मल और हेल्दी। अगर आपका वैल्यू इस फॉर्मूला से 25.0 टू 29.9 आता है देन यू आर ओवरवेट, और अगर आपका वैल्यू अबव 30 आता है देन यू आर ओबीस, यानी कि आप ओबेसिटी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इस फॉर्मूला को टेबल को समझने के लिए थोड़ी बहुत एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का हमें बीएमआई करना है, उसके लिए उसका वेट हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका वेट 70 केजीज है और हाइट उसकी है 1.55 मीटर्स, उसका स्क्वायर यानी कि इनटू 1.55 इंप्लाइज दैट 70 डिवाइड बाय 1.55 इनटू 1.55 वो निकलता है 2.40। फॉर एग्जांपल आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और 70 डिवाइडेड बाय 2.40 जो है इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 29.16 इसका वैल्यू आता है। अब जो इंडिविजुअल का वैल्यू 29.6 आया है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है इस टेबल के साथ कि इस बंदे का जो ये वैल्यू है ये कहां पे फॉल होता है। तो 29.616 जब हम देखते हैं दैट मीन्स 25.0 टू 29 ये ओवरवेट कैटेगरी में फॉल करता है। इस तरीके से आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल का, और उसकी हेल्थ असेसमेंट आपको मालूम होगी कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी हाइट के हिसाब से जो वजन होना चाहिए है कि नहीं, कितना है। अगर बिलो 18.5 वैल्यू आता है देन ही इज अंडरवेट, अगर 18.5 टू 24.9 आता है देन ही इज हेल्दी नॉर्मल, अगर 25.0 टू 29.9 आता है देन ही इज ओवरवेट, और अगर अबो 30 वैल्यू आता है देन ही इज ओबीस। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th जिसमें आपने जाना कि ओबेसिटी क्या होती है, इसके रीजंस क्या होते हैं। रीजंस आपके सामने हैं, हेरिडिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फास्ट फूड फैशन, ओवर ईटिंग एंड इरेगुलर ईटिंग, ये सारे फैक्टर्स पॉसिबल रीजंस है फॉर ओबेसिटी विच मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट। और इस BMI कैलकुलेशन से हम कैसे अपनी हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि मैं अंडरवेट हूँ नॉर्मल। So this was all about obesity and BMI calculation. कैसे what is obesity, उसके reasons क्या है, और BMI calculation कैसे होते हैं, कैसे हम compare करते हैं WHO BMI chart से, जिससे हमें एक individual की health assessment का पता चलता है। So उम्मीद है कि आज का class आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली class में मिलते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। Thank you very much.